वेलकम बैक टू द स्ट्रेंथ डॉक्टर चैनल। और आज मैं बात करने वाला हूँ काफी सारे सप्लीमेंट्स के बारे में, जो कि एक नॉर्मल जिम गोअर, सॉरी ये नहीं, जैसा कि आप जानते हैं कि आपने बहुत सारे सप्लीमेंट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि वे, BCAAs, क्रिएटिन या और भी कई प्री वर्कआउट्स जो कि काफी कॉमनली आजकल। तो अब हम बात करेंगे वे प्रोटीन के बारे में। वे प्रोटीन सबसे मोस्टली कॉमनली यूज सप्लीमेंट है और सबसे फेमस भी वही है, एंड द मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट वे प्रोटीन है। अब वे प्रोटीन के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। फायदे ये हैं कि इसमें सारे के सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स कवर हो जाते हैं, तो अगर आप इसको लेंगे तो आपके मसल प्रोटीन सिंथेसिस में आपको काफी हेल्प करेगा और आपका डेली प्रोटीन कोटा को फिल करने में भी काफी मदद देगा। अब इसका एक और एडवांटेज ये है कि जब आप वेट लूज करना चाह रहे हैं या कैलोरी डेफिसिट में जा रहे हैं, तो कैलोरी डेफिसिट पे जाते समय अगर आपको हाई प्रोटीन रिक्वायरमेंट अपना पूरा करना है, तो उसके लिए आप वे प्रोटीन यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलोरीज कम होती हैं और प्रोटीन कंटेंट ज्यादा मिल पाता है। अब आते हैं इसके डिसएडवांटेजेस पर। अब डिसएडवांटेजेस ऐसे बोलने को ज्यादा नहीं है, लेकिन वो मेनली होते हैं मैन्युफैक्चरिंग की वजह से, क्योंकि काफी ज्यादा इंडिया में इसका फॉल्स मैन्युफैक्चरिंग होता है और काफी गलत तरीके से इसको बेचा जाता है। काफी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं वे प्रोटीन के जिनमें की स्टेरॉइड्स को भरा जाता है या कुछ शुगर्स भर देते हैं या उनका रेशियो बहुत पुअर होता है, तो उस रेशियो के बारे में भी जानना बहुत जरूरी होता है। तो बेसिकली आपको अपना जब आप सप्लीमेंट का बॉक्स ले रहे हैं वे प्रोटीन का, तो उसमें आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना चाहिए कि कितना प्रोटीन इज टू बाकी के अलग कंपोनेंट्स का रेशियो है। जैसे कि आपका ऑन वे प्रोटीन जो होता है उसमें अराउंड 24 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होता है पर 30 ग्राम्स। इसका मतलब ये हुआ कि आप जब एक स्कूप उसका लेते हैं तो एक स्कूप में आपको 24 ग्राम्स प्रोटीन मिलेगा, अराउंड 5 ग्राम्स के करीब उसमें 5 या 4.5 ग्राम्स के करीब BCAAs मिलेंगे। अब आते हैं दूसरे सप्लीमेंट पर, द सेकेंड मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट, जिसका नाम है क्रिएटीन। क्रिएटीन सेकेंड मोस्ट रिसर्च सप्लीमेंट है और काफी सेफ होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये अभी मैं भी काफी यूज कर रहा हूं इसको, और ये काफी ज्यादा बेनिफिशियल है इस सप्लीमेंट के। अब मैं आपको एडवांटेजेस बताऊंगा, क्योंकि इसके डिसएडवांटेजेस हार्डली कुछ हैं। एडवांटेजेस ये हैं कि आपको एक मसल, जो मसल बेली होता है आपका, उसको फुलनेस प्रोवाइड करता है। ये कैसे प्रोवाइड करता है, जब आप इसको इंजेस्ट करते हैं या आपके स्टमक में जाता है, वहां से एब्जॉर्ब होता है, उसके एब्जॉर्प्शन के बाद ये सीधा जाता है स्केलेटल मसल में, जहां पे वाटर रिटेंशन इंक्रीज होता है और आपकी मसल को फुलनेस मिलता है। और सबसे बड़ा एडवांटेज इसका ये है कि वो ATP को इंक्रीज करता है। अब आपको इसका बेनिफिट कैसे मिलेगा, बेनिफिट ये रीजन होता है इसका कि जब आपका ATP इंक्रीज होगा तो आपका वर्क रेट थोड़ा इंप्रूव होगा। ड्रास्टिक इंप्रूवमेंट नहीं होगा, लेकिन आपको थोड़ा सा इंक्रीज मिलेगा। सपोज अगर आप अभी 100 किलो से 5 रेप मार पा रहे हैं, 5 रेप के बाद आप थक जाते थे, आपकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है, तो अब आप 6 या 7 रेप मार पाएंगे। तो अब इसका फायदा क्या होगा कि जब आप 6 और 7 रेप मार पाएंगे और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसको आप कंपाउंड करते जाएंगे उस मूवमेंट को, तो आपको पता चलेगा कि आफ्टर ए पीरियड ऑफ 3 और 4 मंथ्स आपका जो स्ट्रेंथ लेवल है वो काफी कंपाउंड हो जाएगा और काफी इंक्रीज हो जाएगा। इसकी मदद से आपको ओवरऑल स्ट्रेंथ में भी इंप्रूवमेंट मिलेगा और आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ बस एक प्रिकॉशन फॉलो करना होता है, वो ये है कि आपको अपना वाटर इंटेक बढ़ा देना होता है फॉर अबाउट 500 to 1 liter। उसका ये रीजन है क्योंकि आपका किडनी से फिल्ट्रेशन होता है इसका, तो किडनी फिल्ट्रेशन में हेल्प करने के लिए इसके लिए आपको 1 liter वाटर ज्यादा पीना पड़ता है दिन का। उसके अलावा इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम्स नहीं होती। ये हर एज ग्रुप में यूज होता है, ओल्ड एज में भी आजकल इसे रिकमेंड करने लगे हैं, यूथ में भी काफी यूज होता है, आप कभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रिएटीन का ये भी है कि ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, काफी कॉस्ट इफेक्टिव, ऐसे कि अगर आपको एक बॉक्स अराउंड 300 ग्राम्स का 600 रुपीज तक में मिल सकता है, और वो भी किसी स्टैंडर्ड ब्रांड का। क्रिएटीन के टाइप्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स के होते हैं। क्रिएटीन मोनोहाइड्रेट होता है, क्रिएटीन HCL होता है, इथाइल एस्टर्स होते हैं, या लिक्विड क्रिएटीन भी होता है, बहुत सारे होते हैं। अब उसके साथ क्या फैक्टर आता है कि मोनोहाइड्रेट एंड HCL, जिसमें से मोनोहाइड्रेट इज द मोस्ट रिसर्च कंपोनेंट ऑफ क्रिएटीन, फॉर्म ऑफ क्रिएटीन, तो अब आपका क्या होता है, मोनोहाइड्रेट और HCL का एब्जॉर्प्शन काफी अच्छा है और ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव पाए गए हैं।
बाकी के जो प्रिपरेशन है क्रिएटिन के वो इतने इफेक्टिव नहीं पाए गए हैं रिसर्चेस के हिसाब से। तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट लें, ज्यादा तरीके के उसके वेरिएशंस एडिटिव्स के साथ उसको ना लें, क्योंकि ये अलग अलग तरीकों से भी बेचा जाता है। जैसे उसको BCAAs के साथ कंबाइन कर दिया जाता है, कभी कभी आपके जो वे प्रोटीन के जो अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, बॉक्सेस होते हैं, उसके साथ उसको कंबाइन किया जाता है, या कभी कभी आपको प्री वर्कआउट के साथ इसको ऐड किया जाता है। अब मैं बात करूंगा थर्ड सप्लीमेंट के बारे में, जो कि काफी कॉमनली आजकल ट्रेंड में चल रहा है, जिसका नाम है BCAAs। BCAAs का फुल फॉर्म होता है ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स। अब इनका क्या फायदा है, क्या नुकसान है, और बेसिकली क्यों लोग लेते हैं और क्यों इतना पॉपुलर है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। अब BCAAs बेसिकली क्या होता है कि वो आपके तीन अमीनो एसिड्स होते हैं, वेलिन, आइसोल्यूसीन और ल्यूसीन। ये बेसिकली इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बनता है। अब ये तीनों काफी, इसमें से जो ल्यूसीन है वो बोला गया है कि काफी ज्यादा रिसर्चेस के हिसाब से इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर मसल प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब इस ल्यूसीन की वजह से ये काफी पॉपुलराइज सप्लीमेंट हो गया है। पर लेकिन रिसर्चेस के हिसाब से ये पाया गया है कि जब हम तीनों को एक साथ यूज करते हैं तो इनका कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन की वजह से ल्यूसीन का भी पूरी तरह से इफेक्ट नहीं आ पाता है। तो इसमें रिसर्च में ये भी बोला गया है कि अगर आप ल्यूसीन को सिर्फ अलग से भी लेंगे तो भी वो आपको बेनिफिट कर सकता है। तो इसलिए इन तीनों का कॉम्बिनेशन से बेटर है कि अगर आप ल्यूसीन ही लें सिर्फ, तो वो भी काफी बेनिफिशियल है। लेकिन अब सबसे पहली बात कि आपका जो सबसे कॉमन मिथ आता है, जो कि कई लोग गलती कर रहे हैं स्पेशली इंडिया में या कहीं पे भी, वो है BCAAs को आइसोलेट कर देना और प्रोटीन इंटेक को अपने भूल जाना। लोग ये सोचते हैं कि अगर वो BCAAs को ले लेंगे तो उनका काम हो जाएगा, उन्हें प्रोटीन इंटेक की जरूरत ही नहीं है, जो कि बहुत बड़ा स्कैम और बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं वो। क्योंकि प्रोटीन में हमारे कई सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं जो हमें प्रोफाइल पूरी करनी होती है। BCAAs में सिर्फ तीन है, तीन में से एक तो मसल प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन बाकी की भी काफी जरूरत होती है। तो अगर हम लोग उनको पूरा नहीं करेंगे तो हमारा मसल एनाबॉलिज्म एक्चुअली होगा ही नहीं, हम लोग को उसके पूरे इफेक्ट्स मिलेंगे ही नहीं। तो इसलिए काफी जरूरी है कि हम लोग पूरा प्रोफाइल पूरा करें, इंस्टेड ऑफ सिर्फ BCAA यूज करने की बजाय। BCAA को बेसिकली आप सप्लीमेंट कर सकते हैं विद योर वे प्रोटीन या आपका जो डेली का प्रोटीन इंटेक है, और उसमें भी अगर आपका तीन जो अमीनो एसिड प्रोफाइल में अगर आपका ल्यूसीन है, अगर आप उसको ट्रैक कर पा रहे हैं, जो कि काफी हद तक बॉडी बिल्डर्स जो होते हैं वो ट्रैक करते हैं इसको, तो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बट आम जिम गोअर के लिए या एक नॉर्मल किसी भी लिफ्टर के लिए इट्स नॉट दैट एसेंशियल। अब मैं बात करूंगा चौथे सप्लीमेंट के बारे में, जो कि काफी कॉमनली यूज्ड और काफी ट्रेंडिंग सप्लीमेंट है। उसका नाम होता है प्री वर्कआउट्स। यस, आपने सुना ही होगा काफी कॉमनली कि हर जिम गोअर या हर जने को एक प्री वर्कआउट लेने का अलग ही भूत सवार है, अलग ही शौक चढ़ा होता है। तो उसका क्या, उसमें होता क्या है ऐसा जो कि लोग इतना उसके पीछे भागते हैं? बेसिकली क्या होता है, प्री वर्कआउट आपको एक सॉर्ट ऑफ पंप देता है, एक सॉर्ट ऑफ आपको फोकस देता है वर्कआउट करने का। अब वो कैसे देता है, उसमें क्या होता है ऐसा जो कि आपको उस तरह का फोकस मिलता है? उसका ये रीजन है कि उसमें होता है कैफीन, हाई डोजेज ऑफ कैफीन होता है। तो कैफीन से, जैसा कि आपको पता है, जब आप कॉफी पीते हैं तो आप काफी अवेक रहते हैं, काफी अलर्ट रहते हैं, तो वही फंक्शन वो प्री वर्कआउट करता है। बस उसमें क्या होता है, उसका कॉस्ट इंक्रीज करने के लिए उसमें और भी चीजें होती हैं, जैसे कि आपका सिट्रोलिन मैलेट हो गया, सिट्रोलिन मैलेट हो गया, उसके साथ साथ आपका क्रिएटिन डाल देते हैं, बेसिकली कुछ हर्ब्स डाल देते हैं, कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन डाल देंगे साथ में, जो कि आपका ओवरऑल फोकस और वर्कआउट का एफिशिएंसी बढ़ाएंगे। बट क्या आपको उसकी सच में जरूरत है? वो भी बिगिनर टू इंटरमीडिएट लेवल पे उसकी कोई जरूरत भी नहीं होती। तो अब मैं बात करूंगा लास्ट सप्लीमेंट्स के बारे में, जो कि मोस्ट ओवरलुक्ड और सबसे अंडररेटेड होते हैं। वो गए आपके कॉमनली यूज्ड विटामिंस और मिनरल्स। अब विटामिंस और मिनरल्स का ऐसा होता है कि हर बंदे की या हर जने की, हर इंडिविजुअल के लिए ये अलग अलग रहता है इसके रिक्वायरमेंट्स। किसी में कोई विटामिन या मिनरल की कमी होगी तो दूसरे में किसी और की कमी होगी। तब उनको पूरा करने के लिए बेस्ट होता है कि आप अपना लैब रिपोर्ट्स करवाएं, आप अपने फिजिशियन को कंसल्ट करें और उनसे जाने कि आपको कौन कौन से टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। जब आप उन टेस्ट को करवाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कौन से विटामिन या मिनरल्स की कमी है। मोस्ट कॉमनली जो इंडियंस में या ओवरऑल पॉपुलेशन में आजकल के लाइफस्टाइल की वजह से कमी देखी गई है, वो है विटामिन डी में।
अब विटामिन डी, क्योंकि हमारा सनलाइट एक्सपोजर काफ़ी कम हो जाता है, डेस्क जॉब रहता है, इंडोर जॉब रहता है, तो इस चक्कर में उसकी काफ़ी कमी होती है, तो उसको सप्लीमेंट करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन बिना लैब वर्क के इसको बिल्कुल भी मत लें, क्योंकि इनका ओवर एज काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो सकता है आपके हेल्थ के लिए। तो ये हो गया आपके विटामिन्स के बारे में, विटामिन्स एंड मिनरल्स जो आपके एक्स्ट्रा आप लेते हैं। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने काफ़ी सारे सप्लीमेंट्स की अभी बात की है और काफ़ी कॉमनली यूज सप्लीमेंट्स को भी डिस्कस किया है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इन्हीं सप्लीमेंट्स के बारे में और डिटेल में बताऊं और उनका इन डेप्थ मैकेनिज्म बताऊं, तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। और अगर आपको चाहिए कि मैं अब और भी ज़्यादा टाइप्स के सप्लीमेंट्स को कवर करूं, तो उनको भी आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइनिंग आउट द स्ट्रेंथ डॉक्टर।